दोस्तों, आज मैं फिर लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट उठा था। रात को भी लेट हुआ, रात को जल्दी सो गया था लेकिन बहुत लेट उठा हूँ। और कल हॉस्पिटल गया था ना, बोरपेटा गया था, तो इसलिए बहुत लेट हो गया। इनाया का दवाई लेकर आया हूँ। ये देखो इनाया क्या कर रही है, खुश है अभी। ये देखो, कल इनाया का दवाई लेकर आया। रात को 8 बजे हम लोग घर पे आए और इसलिए आज बहुत लेट हुआ। अम्मा हाय। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी तक। हाँ, तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ। सर्दी है, बुखार है, खांसी है गले में। मतलब कि जब सर्दी की वजह से ना खांसी ना, मतलब कि ऐसे जैसे खागर होता है ना, गले में अटका हुआ होता है, इस तरह का साउंड होता है। तो ये सब दवाई लेकर आया आपका देख रही क्या कर रहे हो? और हम लोग बहुत लेट हो गए थे। अभी मैं काम में जाऊँगा, तो अभी मैं जल्दी से धुआं घर पे जल्दी निकलता हूँ। मैं लेट हो गया बहुत। और धुआं देखो, घर को गर्म रखने के लिए मैंने यहाँ पे तो आग जला दिया हूँ, क्योंकि ठंडी है ना, ये इसलिए। खिलाना तो है। कौन सा, और ये देखो, ये दवाई खिलाना बाकी है। तो आप खिलाओ, आप लोग खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। मेरे को तो मैं दिक्कत जा रहा नहीं हूँ, है मतलब क्या बहुत लेट हुआ हूँ। खिलाना लेबर मेरा पहले ही जा चुका है, मेरा जाना भी बाकी है। चलो ठीक है, मैं है। जाता हूँ। हैं की ओ क्या ओ मेरे बच्चों, आओ आओ भाई मुझे भाई नहीं रखता है तुम लोग को। भाई। अच्छा दोस्तों, मैं पहुंचने वाला हूँ काम में, बात भी जा ही रहा हूँ। थोड़ी देर दोस्तों, काम में तो आ गए हैं, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में भी कोरोना का जो ये वायरस है, फिर से फैल रहा है। तो अभी फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, मुझे लगता है। तो काफ़ी जगहों में अभी तो मास्क पहनने के लिए सभी को बोल दिया है। काफ़ी स्टेट में, दिल्ली में भी, और कई मतलब के केसेस आ चुके हैं। बिहार में भी 4 केस आ चुके हैं सामने, और हमारे आसाम में भी मुझे लगता है ऐसे हो सकता है। बाकी जगह में हो रहा है तो यहाँ पे भी हो सकता है, चांसेस है। और अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे ही यही काम करते हैं। हम लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं, तो फिर खाएंगे क्या? तो अगर लॉकडाउन लग गया तो हम जैसे गरीबों का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो गाइस, हम लोगों ने अभी ये रोड वाला काम किया है। ये हम लोगों को रोड बनाना था, तो ये मैंने 2 बना लिया। अभी एक और बनाना है, तो उसके लिए हमें ये कॉयल काटना पड़ेगा। तो ये कॉयल काटेंगे, ये हमने तार तो काट दिया है। ये सब बनाकर, वो जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ऊपर जो ये टॉप जो टाई बीम है, ये टॉप का टाई बीम डालना है ऊपर वाला। और ये डालने के बाद फिर अंदर जो प्लास्टर का काम है थोड़ा सा, वो करेंगे। तो फिलहाल जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करता हूँ। और मोबाइल में चार्ज भी कम है, लाइट भी नहीं आ रहा, तो ये भी एक दिक्कत चल रहा है। जैसे ही लाइट आएगा तो उसके बाद हम लोग फिर मोबाइल को भी चार्ज में लगाऊंगा, क्योंकि चार्ज भी ज़रूरत है ना, नहीं तो आगे ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा। और कोरोना वायरस फैल रहा है तो बहुत बुरा दिन होने वाला है, क्योंकि टेंशन में पड़ जाता हूँ मैं जब भी सोचता हूँ कि यहाँ भाई अगर फिर से आ गया लॉकडाउन तो बुरा हाल हो जाएगा। दोस्तों, मैंने सरिया का काम कर लिया हूँ, और ये भी यहाँ पे ये सब फट्टे वगैरह भी फिट कर रहा हूँ। ये वाला फिट हो गया है और वो वाला फिट हो गया है, और अभी पियेंगे चाय। उठा दिया, हबो उठा दिया। अभी चाय पीने का टाइम है, तो बिस्कुट के साथ चाय पियेंगे, फिर काम करेंगे। हम लोगों ने चाय चुय पी लिया, और अभी ये वाला फिटिंग करना बाकी है, ये फिट करेंगे। और उसने अभी तक मसाला भी उधर बना दिया है, तो ये सारा काम ख़त्म करने के बाद प्लास्टर करेंगे। और आज देखो, आज तो धूप भी निकला हुआ है, आपको सूरज दिख रहा होगा। इस मॉल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं ना, इसलिए सूरज भी नज़र नहीं आएगा। तो गाइस, फिटिंग का जो सारा काम था वो मैंने सभी कर लिया हूँ। तो ये सभी जो फट्टे फिटिंग हो चुके हैं, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक फिटिंग हो गया है। और अभी इतना खतरा जगह है, डर लगता है। और देखो, वहाँ पे मसाला भी रेडी है। तो गाइस, बजरी डालने का काम जो शुरू हो चुका है, और हमने वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बजरी डाल दिया हूँ। और इसमें एक बोल्टू लगाना पड़ता है, मतलब कि एक बोल्टू होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो कोने में लगाया हुआ है ना, इस टाइप का, इधर और भी है, ये देखो। वो देखो, एक उधर कोने में लगाया है कि ये रहा बीच में, एक वो रहा उधर लगाया हूँ। ये इधर नहीं लगेगा इसमें, तो और ईंटें लगेंगी, लेकिन इधर इधर लगेगा। और इतना भी भरना बाकी है, इसमें थोड़ा सा और लगेगा। और वो देखो, वहाँ पे बजरी रेडी कर रहा है। और ये डालने के बाद अभी खाना खाएंगे, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोर से लगा, और मुझे लगता है शायद एक भी बच गया होगा।
ये जरा काम है, ये काम खत्म करने के बाद उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। मैं नहीं, हम खाना खाएंगे। तो गाइस वो जो टाइमिंग था वो तो डाल दिया और हम लोगों ने खाना भी खा लिया। तो अभी ये जो प्लास्टर करना है तो इसको पानी लगा रहे हैं। ये प्लास्टर करने के बाद हम लोग घर चले जाएंगे, तो इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है और घर जाना है, बस आज का टारगेट यही है। और ये देखो, ये यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक हमने इसको पूरा डाल दिया है। तो मसाला भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, तो ये मसाला बना देगा, तब तक मैं ये रेडी कर देता हूँ। इसको भी रख देते हैं। गाइस ये जो प्लास्टर है ना, प्लास्टर में पानी भी नहीं लगाया अभी तक, 2-3 दिन हो गए किसी ने पानी नहीं लगाया, तो मैं पानी लगा रहा हूँ, क्योंकि पानी लगाने से घर मजबूत होता है, अगर पानी नहीं लगाओगे तो मजबूत नहीं होगा। ये देखो देखो प्लास्टर करने पानी लगाने से देखो कलर चेंज हो जाता है ना, ये देखो यहाँ का कलर देखो और ये देखो डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, ये होता है पानी लगाने से। आपको पानी हमेशा रोज़ लगाना चाहिए अपने घरों में, लेकिन जब घर बन रहा हो तब, बना हुआ घरों में पानी लगाओगे तो आपके कमरे के सामान वामान खराब हो जाएंगे ना। देखो ये भी पानी लग गया है, पानी लगाना हो गया है ये सब, अब ये रेडी है, अब इस पर मसाला लगाएंगे जल्दी जल्दी। दोस्तों ये प्लास्टर वाला काम हो गया है, ये देखो ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक प्लास्टर कर दिया। अब इसको ये घोला मारना है यहाँ पे बना हुआ है, और ये रहा महाजन, इसका भी घर का काम करना है। मामा हो जाएगा, शुक्रिया। तो अभी जल्दी से काम ख़त्म कर देते हैं। वैसे प्लास्टर का जो काम था वो काम ख़त्म हो गया है। तो ये रहा प्लास्टर, और घोला भी मार दिया था, तो सामान सारा धो दिया है, अभी सामान सारा रख भी दिया, तो अब बस जो है घर जाएंगे।